अगर हम कुछ सेकंड के लिए भी रसोई घर में चूल्हे को नज़रअंदाज कर दें तो बर्नर पर रखा दूध उबल जाता है और छलक कर बाहर आ जाता है। लेकिन जब हम मिल्क कुकर का उपयोग करते हैं तो ऐसा नहीं होता। क्या आप जानते हैं क्यों? आइए इस एपिसोड में जानें। स्पोकन ट्यूटोरियल आईआईटी बॉम्बे प्रस्तुत करता है रेडियो ड्रामा सीरीज दैनिक जीवन में विज्ञान, आपके अपने सामुदायिक रेडियो कनेक्ट एफएम 107.8 पर, जनता से जुड़े डायरेक्ट सामुदायिक रेडियो कनेक्ट। सुधा सुधा, जरा सुनो, इधर आना। आई माँ। देखो मिल्क कुकर में दूध उबल गया है, सीटी बज रही है, जाओ इसको बंद कर दो। ये तो बहुत अच्छा है माँ, आइए इसे देखिए, सीटी से भाप निकल रही है, ऐसा लगता है जैसे दूध अभी उबलने वाला है। लेकिन माँ, दूध उस तरह बाहर नहीं गिर रहा जैसे हमारे पुराने बर्तन में गिरता था, क्या इसमें दूध कभी बाहर नहीं गिरेगा? सुधा, ये मिल्क कुकर है, इस बात का हमेशा याद रखना, कुकर में दो परतें होती हैं, एक दूध के लिए और दूसरी पानी के लिए। हमने कुकर में दूध डालने से पहले सीटी नॉब में एक ग्लास पानी डाल दिया था और इसे बंद कर दिया था। और एक खास बात मिल्क कुकर की, इसमें दूध बॉईल करने से दूध के सभी पोषक तत्व और स्वाद लंबे समय तक बने रहते हैं। हाँ, ये तो सही बात है। आ रही है बात तुम्हें समझ में? हाँ जी। ये कुकर वैज्ञानिक तरीके यानी कि साइंटिफिक वे से काम करता है। क्या वैज्ञानिक तरीके से मतलब? जी हाँ, वैज्ञानिक तरीके से। जब आप कुकर को आंच पर लाते हैं तो पानी और दूध दोनों गर्म होने लगते हैं। क्या तुमको पता है पानी को कितनी डिग्री पर उबाला जाता है? हाँ हाँ, 100 डिग्री पर। बिल्कुल सही सुधा, तभी पानी वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। और दूध को कितनी डिग्री पर उबाला जाता है सुधा? ये तो मुझे नहीं मालूम। दूध को 100.2 डिग्री पर उबाला जाता है, इसलिए दूध को उबालने के लिए तापमान को 100.2 डिग्री पर होना चाहिए। लेकिन कुकर का पानी ऐसा नहीं होने देता। जब तक पानी की हर बूंद वॉश यानी इवेपोरेशन में परिवर्तित नहीं हो जाती, तब तक तापमान 100 डिग्री पर रहेगा। जो सीटी से धुआं निकल रहा है वो भाप है और कुछ नहीं। ओ, तो दूध तभी बाहर गिरेगा जब पानी पूरी तरीके से वाष्पित यानी इवेपोरेट हो जाएगा। बिल्कुल सही, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सीटी सुनते ही हम में से कोई ना कोई जल्द से इसकी नॉब बंद कर देगा। हाँ, वो तो हमें करना पड़ेगा। अच्छा माँ, अगर हम कुकर के अंदर पानी के अलावा कोई और तरल पदार्थ डाले तो क्या होगा? बिल्कुल सही सवाल किया सुधा तुमने ये। अगर हम नारियल का तेल डालते हैं जैसे, जिसका उबलने का स्तर पानी से बहुत अधिक है, तो दूध उबल जाएगा और तेल केवल गर्म होगा। अच्छा, ये तो सचमुच बहुत अच्छी सीख बताई आज आपने। अगले सोमवार को ना मुझे अपने स्कूल असेंबली में दैनिक जीवन में विज्ञान पर एक भाषण देना है, और तब मैं हमारे इस नए कुकर के बारे में सभी को बताऊंगी। बहुत अच्छा, ऑल द बेस्ट सुधा। थैंक यू माँ। दैनिक जीवन में विज्ञान, यह स्पोकन ट्यूटोरियल आईआईटी बॉम्बे द्वारा सामुदायिक रेडियो कनेक्ट एफएम 107.8 पर प्रस्तुत किया गया। जनता से जुड़े डायरेक्ट, यही है सामुदायिक रेडियो कनेक्ट, तो सुनना ना भूलें। मिल्क कुकर के फायदे तो आप सभी को पता चल गए, अब बताइए कि पानी को कितने डिग्री पर उबाला जाता है। इस सवाल का जवाब अगर आपको मालूम है तो हमारे स्टूडियो नंबर 01468296220 पर फोन कर बता दीजिए, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।